हेलो गाइस हाउ आर यू ऑल डूइंग कैसे हो आप सब लोग तो आज की वीडियो में मैंने रिक्रिएट किया है ऐश्वर्या राय बच्चन का हम दिल दे चुके स नम वाला मेकअप लोक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है यार वो उस मूवी में उनके आउटफिट्स उनका मेकअप उनकी ज्वेलरी एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट सो आई थॉट ऑफ रिक्रिएटिंग दिस लुक वैसे मैंने इंस्टा पे पोल डाला था तो आप में से काफी लोगों ने बोला था प्लीज़ इस लुक को रिक्रिएट कीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आई होप इट्स यूजफुल अगर अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मैंने लेंसेज वेयर कर लिए क्योंकि ऐश्वर्या राय की जो आइज़ है वो है ब्लू कलर की आइज़ ठीक है तो मैंने ग्रे कलर की आई ज वेयर की है फिर मैं अपने स्किन पे लगा रही हूँ वाव का टोनर अपनी स्किन प्रेप कर रही हूँ जनरली फिर मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ फेशियल क्रीम अगर आपकी स्किन ऑयली है आप मेक श्योर करें कोई भी ऑयल फ्री क्रीम uh, जरूर यूज़ करें ठीक है एश्वर्या का फेस जो है बहुत ही रेडियंट बहुत ही ग्लोई है तो मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी की इल्यूमिनेटिंग क्रीम इसका जो शेड नेम है दैट्स गोल्ड पिंक बहुत ही ब्यूटीफुल है वैसे मैंने स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है आप चेक कर सकते हैं बहुत ग्लोई लगती है आपकी स्किन इसको यूज़ करने के बाद फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ पोर फिलिंग प्राइमर क्योंकि मेरे फेस पर ना हल्के हल्के छोटे छोटे पोर्स हैं तो उसको फिल करने के लिए ये प्राइमर बहुत ही कमाल का है वैसे तो आप कोई भी अच्छा नेक्स का पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हैं लॉरियाल का मशीक प्राइमर बहुत ही अच्छा है अब मैं अपने फेस पे कॉन्ट्रोलिंग करने वाली हूँ सबसे पहला स्टेप ठीक है अगर आपको कभी भी अपने फेशियल फीचर्स को हाईलाइट करना हो और आपको अपनी स्किन ज़्यादा मेडअप नहीं रखनी हो तो आप हमेशा ये स्टेप को फॉलो करें हमेशा फाउंडेशन कंसीलर से पहले आप कॉन्ट्रोलिंग कर सकते हैं इसकी जो आपके फेशियल फीचर्स है वो स्नैश्ड लगते हैं और यू you नो know, एक नेचुरल इफेक्ट आता है सो so, या yeah, मैं यूज़ कर रही हूँ एलिगल का कंसीलर इसका जो शेड नेम है वो है टोस्ट एलिगल के कंसीलर जो होते हैं ना गायस उनकी ब्लेंडिबिलिटी इज़ ब्यूटीफुल बहुत नेचुरल लगते हैं स्किन के ऊपर एंड आपकी जो स्किन है इट लुक्स लाइक अ स्किन के okay, बहुत ही आर्टिफिशियल लुक नहीं देते हैं कंसीलर्स सो so, मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ विद फाउंडेशन ब्रश ओके क्योंकि अगर आप ऐश्वर्या राय का फेस देखेंगे ना उनकी जो स्किन है वो बहुत फ्लॉलेस भी लग रही है और बहुत ही नेचुरल लग रही है सो दिस इज़ द बेस्ट स्टेप जो आप कर सकते हैं नेचुरल इफेक्ट देने के लिए और अपने नोज़ को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ अब मैं हाईलाइटिंग कंसीलर तो नहीं यूज़ करूँगी बट मैं डार्कनेस को हाइट करने के लिए जो कंसीलर शेड यूज़ कर रही हूँ वो है न्यूट ठीक है तो इसके अंदर थोड़ा सा पीच करेक्टर वाला काम भी करेगा ये सो so, मैं अपने बस अंडर आई एरिया पर जहाँ पर मेरे को दाग धब्बे है ना वहाँ पर इसको लगाऊंगी सो दैट की कंसील हो जाए इम्परफेक्शन थोड़ी सी कंसील हो जाए ऑल राइट right? फिर जो फाउंडेशन मैं यूज़ करने वाली हूँ मैं यूज़ करने वाली हूँ लाइट कवरेज फाउंडेशन जो कि है पॉबी ब्राउन की पर आप मे की फिटमी फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें मिक्स करूंगी मैक की स्ट्रोबिंग क्रीम ये वैसे ऑप्शनल है ठीक है बट मुझे लगा उनका फेस बहुत ही ड्यूई लग रहा है इसलिए मैंने ये स्टेप ऐड किया है बट मैं आपको यहाँ पर एक और टिप दूंगी जब आप वो क्रीम कॉन्टोरिंग करते हैं ना उसके ऊपर जो आप फाउंडेशन लेयर करेंगे ना गाइस मेक श्योर करें वो फुल कवरेज ना हो ठीक है वो हमेशा लाइट कवरेज होनी चाहिए मीडियम कवरेज मैं तो बोलूंगी लाइट कवरेज होगी तो ज्यादा अच्छी है क्योंकि अगर आप फुल करोगे ना तो वो जो आपने क्रीम कॉन्टोरिंग की है ना वो छुप जाएगी तो कोई भी असर नहीं होगा आपके फेस के ऊपर मतलब कोई भी स्कल्पटेड लुक नहीं आएगी हमेशा लाइट कवरेज फाउंडेशन यूज़ करना ओके उससे आपको नेचुरल इफेक्ट मिलेगा अब मैं कोई लाइटे कंसीलर यूज़ नहीं करी क्योंकि अगर आप ऐश्वर्या का फेस देखें उनके फेशियल फीचर्स बिल्कुल हाईलाइटेड वैराइटेड कुछ भी नहीं है बहुत ही नेचुरल काइंड ऑफ स्किन है उनकी फिर मैं अपने फेस में लगाने वाली हूँ लूज पाउडर फ्रॉम मे और हल्के हाथ से इसको डस्ट करूँगी क्योंकि मुझे वो ड्यूनाइज़ चाहिए अगर आप ज़्यादा लगा लेंगे तो वो ड्यूनाइज़ खत्म हो ड्य ड्यस खत्म हो जाएगी एंड विल नॉट लुक ड्यूई इट विल लुक मैट ऑल राइट फिर जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है ना थोड़ी चिपचिपाहट है वहाँ पे मैं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे करनी है ब्रॉन्जिंग और ब्रॉन्जिंग तो मस्ट ही मस्ट है क्योंकि अगर आप उनका फेस भी देखें वो भी ब्रॉन्ज है उन्होंने ज़्यादा कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं की है पर उन्होंने ब्रॉन्जर ज़रूर लगाया है क्योंकि अगर आप उनके साइड चीक बोन देखें ना काफ़ी ब्रॉन्ज हैं वो बाकी वैसे तो लाइट्स का भी काफ़ी इफेक्ट होता है बट उनके फेस पर आप ब्रॉन्जीनस देखेंगे ठीक है और अपने नोज पर भी हल्के हाथ से मैं ब्रॉन्स करूँगी और कनेक्ट करूँगी अपने इनर आइस की तरफ ठीक है सो टिप ऑफ द नोज़ को भी थोड़ा करूँगी क्योंकि उनका नाक थोड़ा छोटू छोटू सा बहुत क्यूट सा नोज उनका फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये क्रीम बेस क्रीम बेस क्रीम बेस क्या आईब्रो हाँ ये है रिमेल की पहले मैं अपने स्पूली की हेल्प से अपवर्ड डायरेक्शन में फेदर आउट करूँगी ब्रोज़ को उसके बाद मैं फिल करूँगी गैप अब आप उनकी आईब्रोज देखें ना गाइज बहुत ज़्यादा थिन है बहुत ही थिन आईब्रोज है उनकी पर मुझे लगा कि मुझे इतनी थिन पता नहीं सूट करेगी कि नहीं करेगी इसलिए मैंने अपनी नेचुरल आई शे, आईब्रो शेप को ही फॉलो किया है और फिर मैं कंसीलर की हेल्प से अपने आईब्रो को शेप दे दूंगी और आ, मैं ना कंसीलर भी लगा लूंगी आईलेट पे सो दैट कि एक आई के लिए बेस तैयार हो जाए अब पैलेट जो मैंने यूज़ किया है वो है मॉर्फी 35 फाइव ओ पैलेट इन दो कलर्स को मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने आईलेट एरिया पे आप उनकी आइज़ देखें ध्यान से देखें उनकी आइज़ पे यही एक कलर है मैट ब्राउन शेड है मैट ब्राउन स्मोकी आइज़ है उनकी ठीक है तो मैं इस कलर को लगाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लफ़ी ब्रश इसकी जो ब्रिसल्स हैं ना ये फ्लफी है थोड़े से फेदर आउट है स्टिफ नहीं है तो ये कलर बहुत अच्छे से डिस्पर्स कर देगा मेरे आईलिड एरिया पे एंड बाहर और इनर की तरफ यू नो वाइपर मोशन की तरह मैं इस कलर को ब्लेंड करूंगी बस फिर तो मैं यूज़ करने वाली हूँ इस शेड को और इसको लगाने वाली हूँ हल्के हाथ से विद द हेल्प ऑफ फ्लफ़ी ब्रश एक ट्रांजिशन कलर मतलब हाँ आप बोलेंगे ना ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग करने के लिए इस कलर को यूज़ कर रही हूँ और उनके आइज पे हल्का सा पीच कलर भी मुझे लगा इसलिए मैंने ये यूज़ किया है अब मैं इस कलर को यूज़ करने वाली हूँ अपने लोअर लैश लाइन पर क्योंकि अगर आप उनकी लोअर लैश लाइन देखें ना कोई स्मोक आउट नहीं है कोई कुछ नहीं है हल्का सा उन्हें काजल लगाया और हल्का सा उन्हें ये कलर लगाया हुआ है दैट सॉल्व बहुत ही नीट है उनकी लोअर लैश लाइन अब मैं स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ आपको लग रहा है वेट वेट क्यों है वेट नहीं है मैं इंगलॉट का ड्यूरो लाइन इस पर मिक्स किया है क्योंकि ये सूख गया था और इंग्लॉट का ड्यूरो लाइन के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जाके चेक करना आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो को और एक थिक सी लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है गाइज और बोल्ड आई लुक ना सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं एंड सच बताऊँ अगर आपको आप कभी भी कंफ्यूज हो ना आपने क्या करना है आप सिंपल इस तरीके की आई लुक कर लीजिए एंड कोई भी लिप कलर आप लगा सकते हैं इस तरीके की आई लुक के साथ एंड या छोटा सा विंग क्रिएट किया है और लोअर लैश लाइन को भी मैंने टाइट लाइन कर लिया एंड अपर लैश लाइन को भी मैंने टाइट लाइन किया है सो तो दैट कि वो अलग सा वाइट वाइट नज़र ना आए ठीक है और अब मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा और लोअर लैशेज पर जब आपका ज़्यादा मस्कारा हो जाए ना तो वो क्या करना चाहिए मैं आपको टिप देती हूँ आप कोई भी स्पूली ले लीजिए और स्पूली की हेल्प से आप एक्स्ट्रा जो होता है ना मस्कारा का वो रिमूव कर सकते हैं उससे बहुत ही नेचुरल इफेक्ट आता है ठीक है से मैंने किया है अब मैंने यूज किया है फॉल्सिस क्योंकि उन्होंने भी डेफिनेटली फॉल्सिस लगाई हैं क्योंकि उनकी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है है ना सच में उन्होंने पक्का लगाई नेचुरल दिखने वाली फॉल्सिस मेरे पास वैसी तो नहीं थी बट जो मेरे पास मैंने लगा ली जो कि थोड़ी सी नेचुरल दिखती ठीक है ठीके? अब मैंने यूज किया है ब्लश फ्रॉम स्विस ब्यूटी और बहुत ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है उनके फेस पे यू नो दैट बहुत ही ब्यूटीफुल uh, कलर है रोजी पिंक मॉफ काइंड ऑफ कलर तो मैंने इस कलर को यूज किया है और इसको लगाने वाली हूँ बाहर पहले अंदर की तरफ जहां पे मैं स्माइल करती हूँ वो बॉल से नाइट नज़र ना वहाँ पे लगाऊंगी फिर बाहर की तरफ इसको फेदर आउट कर दूंगी दैट्स ऑल अब मैं हाइलाइटर लगाने वाली हूँ यूजिंग यूजिंग नहीं मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल और मैं इसको लगाऊंगी पूरे फेस के ऊपर हल्के हाथ से डस्ट कर दूँ क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाइलाइटर है गाइस सच बताओ ना आपको ज़रूरत नहीं है सेम प्रोडक्ट्स से यूज़ करने की आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इनफैक्ट आप कोई भी गोल्डन शिमरी आई भी यूज़ कर सकते हैं फॉर हाईलाइटर ओके और अपने ब्रोबोन uh, के नीचे लगाऊंगी क्योंकि अगर आप उनकी ब्रोबोन uh, देखें ना बहुत ही हाईलाइटेड है वो लिप कलर के लिए मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल की गिव मी मौका क्योंकि मुझे लगा इससे ब्यूटीफुल शेड मिल ही नहीं सकता इतना ब्यूटीफुल ब्राउन कलर है ना ये एंड सच बताऊँ इट्स वन ऑफ माई फेवरेट 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 शेड लाइक आई लव दिस कलर फ्रॉम वेट एंड वाइल कलेक्शन जस्ट ब्यूटीफुल और ये सब पे अच्छा लगता है सारी स्किन टोन्स पे अच्छा लगता है फिर मैंने इस इसमें थोड़ा सा मिक्स किया है स्मैश uh, बॉक्स का स्टेपिंग आउट शेड थोड़ा सेंटर में लगाया है क्योंकि अगर आप लिप्स देखें ना उनके थोड़ा सा ऑम्बरे इफेक्ट है उनके लिप्स पे तो इसलिए मैंने ये कलर लगाया है देखिए दिख रहा है ना आपको हाँ इस तरीके से मैंने इस कलर को लगा लिया और थोड़े से एजिस को क्लीन किया है यूजिंग कंसीलर एंड गाइस आप अपना मेकअप फिक्स करना नहीं भूलना है आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी अच्छी सेटिंग स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ अर्बन के की ये बहुत ही अच्छी इसकी लास्टिंग पावर बहुत अच्छी है गाइस एंड या विद दैट एक्सेसरीज जो है मैं बता देती हूँ ये ज्वेलरी मेरी इंडिया की है इयर जो है ये मैंने जयपुर आर्ट ज्वेलरी से लिए हैं सो या गाय बिंदी लगाई है जो उन्होंने भी लगाई है सो so, कैसा लगा आपको मेरा ये रिक्रिएशन वाला वीडियो पसंद आया हो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड फ्यूचर में आप किस सेलिब्रिटी का इंस्पायर्ड लुक देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं पक्का बनाऊंगी और इंस्टाग्राम में मुझे फोटो जरूर भेजना ठीक है तो चलिए मैं आपको मिलती हूं अपनी दूसरी वीडियो में टिल देन स्टे हैप्पी लॉट्स ऑफ लव टेक केयर आई लव यू ऑल सो मच बाय बाय